वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। पहला है इसमें काली मिट्टी। काली मिट्टी की विशेषता इसमें पढ़ेंगे। काली मिट्टी के अंतर्गत आता है इस मृदा का गहरा रंग लोहे एवं चूने की अधिक मात्रा के कारण होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान से हुआ है। इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव तत्वों की कमी होती है। काली मृदा को रंग तथा मोटाई के आधार पर तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है इसमें गहरी काली मृदा, दूसरी होती है साधारण गहरी काली मृदा, तीसरा होता है छिछली काली मृदा। गहरी काली मृदा जो होती है वो होती है मध्य प्रदेश में काली मृदा मालवा पठार, सतपुड़ा चित्र तथा नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में चिकनी मृदा की मात्रा 20.60% अधिक होती है। साधारण गहरी मृदा जो होती है यह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। यह मृदा मध्य प्रदेश के मालवा पठार, उत्तरी मध्य प्रदेश तथा निर्माण क्षेत्र के लगभग 400 लाख एकड़ के क्षेत्र में मिलती है। छिछली काली मृदा मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बैतूल जिले में पाई जाती है। इस मृदा का पीएच मान 7.5 से 8.5 के बीच होता है। नेक्स्ट है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा में लाल रंग लोहे के ऑक्साइड एवं पीले रंग फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण होता है। यह मृदा मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल एवं सीधी जिलों में 390 लाख एकड़ क्षेत्रफल पर पाई जाती है। लाल पीली मृदा अम्लीय से जारी होती है। इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच होता है। इस मृदा में चूने की अधिकता होती है, परंतु निक्षालन के कारण इसमें ही ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लाल पीली मृदा में धान की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का निर्माण बुंदेलखंड, चंबल एवं नीस जैसी नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। यह मृदा मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी एवं ग्वालियर जिलों में 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल में फैली है। इस मृदा में बालू की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है उर्वरता अधिक होने के कारण इस मृदा में गेहूं, कपास एवं गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, जैव तत्व तथा फास्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट है कछारी मृदा। कछारी मृदा यह मिट्टी गेहूं, गन्ना, तिलहन एवं कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बाढ़ के समय निक्षेपित पदार्थ से होता है। कछारी मृदा प्रदेश के मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिलों में है। नेक्स्ट है मिश्रित मृदा। यह मृदा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा आदि जिलों में पाई जाती है। मिश्रित मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज की कृषि के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है।